दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, फिलहाल ये तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां पर दुश्मन का दोस्त दुश्मन हो रहा है। जन्मदिन पर बधाई देने का सामान्य शिष्टाचार मोदी के तीन मंत्रियों को मुसीबत में डाल गया है। 6 अप्रैल को मोदी के तीन मंत्री संजय जोशी को जन्मदिन पर बधाई देने की गलती कर बैठे। नतीजा ये हुआ कि तीनों को अमित शाह की फटकार खानी पड़ी। दीवारों पर चस्पा इन चंद बेजान पोस्टरों की चपेट में आ गए मोदी सरकार के तीन मंत्री। मंत्री नंबर 1 श्रीपद नायक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री। मंत्री नंबर 2 संजीव बालियान, कृषि राज्य मंत्री। मंत्री नंबर 3 सर्बानंद सोनवाल, खेल मंत्री। 6 अप्रैल को जब बीजेपी की स्थापना का जश्न चल रहा था, ठीक उसी दिन संजय जोशी को बधाई देने की गलती कर बैठे ये तीनों मंत्री। नायक के पीए की तो बाकायदा इन पोस्टरों में तस्वीर भी दिखी, लिहाजा कार्रवाई की पहली तलवार उन्हीं पर गिरी। पीए साहब की मंत्री के दफ्तर से छुट्टी हो गई और बताने के लिए वजह नहीं मिल पा रही। मैंने इस्तीफा दिया है और पोस्टर मैंने नहीं छापे, संगठन उसकी जांच कर ले किसने छापे हैं पोस्टर, और हजारों की तादाद में पोस्टर लगे हैं। वैसे तो अगर ये वाली बात है तो वहाँ तो कई देश भर के नेता, कई मंत्री, कई बहुत सारे लोग गए हैं वहाँ बधाई देने के लिए संजय जोशी जी को। नितिन सरदारे अकेला नहीं गया ना, आप गए थे बधाई देने? हाँ, मैं बधाई देने गया था। संजय जोशी ना तो बीजेपी में है और ना बड़ी सियासी हैसियत, फिर भी बर्थडे की बधाई देने वाले तीन मंत्रियों को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कड़ी फटकार खानी पड़ी। वजह वो अतीत है जहां नरेंद्र मोदी से उनकी अदावत के अध्याय आज भी मिटे नहीं। जी नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जोशी जी का जन्मदिन कब है। 15 दिन से तो मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं, मतलब दिल्ली भी नहीं गया 15 दिन। कोई फोटो नहीं है जिसने आपको सूचना दी, वो गलत है। मोदी से अदावत के अतीत से पीछा छुड़ाने की कोशिश में जोशी झाड़ू लेकर स्वच्छता मिशन में भी जुटे, लेकिन बात नहीं बनी, तलखी जस की तस है। हालांकि दिलचस्प ये भी है कि जोशी को शुभकामना संदेश कई और मंत्रियों ने भी भेजे थे। राजनाथ सिंह गृह मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने तो खुद घर जाकर बधाई दी, तो कुछ सांसद भी जोशी के घर तक गए। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं, हमारे बगल घर के बगल में उनका घर, उनका जन्मदिन था, मैं उनको बधाई दिया। और हमें ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि अब कोई विपक्ष को कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है, तो इसी तरह कोई बात ले लेकर के हमारी धारा को रोकने की कोशिश करे। तो अब देखने वाली बात यही है कि क्या राजनाथ और गडकरी जैसे नेताओं पर भी कार्रवाई होगी, या मंत्री के पीए को हटाकर बड़े नेताओं को पर्याप्त संकेत दे दिया गया। जन्मदिन की बधाई एक ऐसा सामान्य शिष्टाचार माना जाता है जिसमें अपने पराए का कोई फर्क नहीं किया जाता, लेकिन संजय जोशी के जन्मदिन की बधाई को लेकर जिस तरह से बीजेपी में हड़कंप मचा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि संजय जोशी से दोस्ती करने वालों पर पार्टी की अभी भी पैनी निगाहें हैं। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।